फिल्म इंडस्ट्री में संजय खान बतौर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे हैं। 78 साल पहले संजय खान ने 1964 में फिल्म हकीकत से डेब्यू किया था। 3 दशक तक करियर में उन्होंने करीब 30 फिल्मों में एक्टिंग की। संजय खान फिल्मों के अलावा अपनी लव स्टोरी की वजह से भी चर्चा में रहे। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा। संजय खान और गुजरे जमाने की एक्ट्रेस जीनत अमान के अफेयर के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में उस वक्त खूब गूंजते थे। खबरें तो यहाँ तक थीं कि जीनत अमान ने शादीशुदा संजय खान से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। 1980 में जीनत की जिंदगी में एक्टर संजय खान की एंट्री हुई। फिल्म अब्दुल्ला के सेट से दोनों के अफेयर के किस्से शुरू हुए। एक मैगजीन के मुताबिक संजय और जीनत उस वक्त अक्सर हर पार्टी और इवेंट में साथ ही नजर आते थे, जबकि संजय पहले से शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद जीनत दूसरी फिल्म में बिजी हो गईं। संजय हमेशा से गुस्सैल स्वभाव के रहे हैं। इसी बीच एक दिन उन्होंने जीनत को फोन किया और एक गाने की शूटिंग के लिए कहा। डेट्स की कमी के चलते जीनत ने शूटिंग से मना कर दिया। बस फिर क्या था, संजय खान जीनत पर भड़क उठे और फोन पर ही खूब खरी खोटी सुना दी। सेट से जीनत जैसे ही फ्री हुई वो संजय के घर पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि संजय तो होटल ताज में पार्टी कर रहे हैं। डरी सहमी जीनत होटल पहुंची। जीनत को देखते ही संजय ने सबके सामने उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस दौरान होटल का पूरा स्टाफ भी वहां मौजूद था। संजय खान ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ में भी इस घटना के बारे में लिखा है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।